जय हिंद एवरीबॉडी, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो स्टूडेंट, एज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड इन द लास्ट लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्लांट मूवमेंट इंट्रोडक्शन पार्ट दैट वी हैड दैट देयर आर टू प्लांट मूवमेंट्स दैट इज ट्रॉफिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। नाउ इन दिस लेक्चर वील बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट द ट्रॉफिक मूवमेंट। नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉफिक मूवमेंट और ट्रॉफिज्म। ट्रॉफिक मूवमेंट्स दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रॉफिज्म, इनको ट्रॉफिज्म भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज ट्रॉफिक मूवमेंट? अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई डिटर्मिन्स द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, दैट इज नोन एज ट्रॉफिज्म और ट्रॉफिक मूवमेंट। सो ट्रॉफिक मूवमेंट क्या हुआ? ट्रॉफिक मूवमेंट जो है एक तरह के ग्रोथ मूवमेंट्स होते हैं जिसमें प्लांट का कोई भी पार्ट, स्टेम और लीफ और फ्लावर, रूट्स, व्हाटएवर पार्ट्स, जो भी पार्ट्स हैं प्लांट के, वो जो है मूवमेंट शो करते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्ट्यूमुलस। जिस डायरेक्शन में भी स्ट्यूमुलस होगा उसी डायरेक्शन में ये जो मूवमेंट्स, जो ट्रॉफिक मूवमेंट्स, उसी डायरेक्शन में अकर होते हैं। इसीलिए ट्रॉफिक मूवमेंट्स को डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहा जाता है। एंड ट्रॉफिज्म आर कंट्रोल्ड बाय अ प्लांट हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन। और ट्रॉफिक मूवमेंट्स जो हैं वो प्लांट हार्मोन है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑक्सिन। ऑक्सिन का इसमें मेजर रोल है। किस तरह ऑक्सिन जो है हेल्प करता है ट्रॉफिक मूवमेंट में, स्टेम के या रूट्स के, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर। नाउ ट्रॉफिक मूवमेंट जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। सो व्हेन अ प्लांट ग्रो टूवर्ड्स द स्ट्यूमुलस, व्हेन द प्लांट इज ग्रोइंग टूवर्ड्स मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्यूमुलस, देन इट इज नोन एज पॉजिटिव ट्रॉफिज्म। एंड व्हेन द प्लांट ग्रोज अवे फ्रॉम द स्ट्यूमुलस, अगर स्ट्यूमुलस से दूर है तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव ट्रॉफिज्म। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट स्टेम। स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम जो है दैट ऑलवेज ग्रो अबव द सॉइल एंड इन रिस्पॉन्स टू लाइट। लाइट जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में स्टेम ग्रो करेगी, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव मूवमेंट। एंड अगर लाइट के ही रिस्पेक्ट में हम रूट्स की बात करें तो रूट्स जो हैं वो डाउनवर्ड बिलो द सॉइल ग्रो करेंगी एंड अवे फ्रॉम द लाइट, सो इट इज़ अ नेगेटिव ट्रॉफिज्म। नाउ ट्रॉफिक मूवमेंट्स जो हैं दे आर ऑफ वेरियस टाइप्स, बट मेनली अगर हम ब्रॉडली बात करें तो दे आर ऑफ थ्री मेन टाइप्स, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म। बट देयर आर अदर ऑल्सो ट्रॉफिक मूवमेंट्स दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। सो इन टोटल देयर आर सिक्स ट्रॉफिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड थर्मोट्रॉपिज्म। नाउ द नेम्स विच आर गिवेन टू दीज ट्रॉफिक मूवमेंट्स, द नेम्स आर कनेक्टेड टू देयर स्टिमुलस, मीन्स जो भी स्टिमुलस है उसी के अकॉर्डिंग हमने नाम दिए हैं, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू मेमोराइज। फॉर एग्जाम्पल अगर फोटोट्रॉपिज्म की बात करें तो फोटो माने होता है लाइट, मीन्स हेयर द डायरेक्शन विल बी टूवर्ड्स द लाइट। ग्रेविट्रॉपिज्म, जिसको कि हम लोग जियोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं, सो इट इज़ टूवर्ड्स द ग्रेविटी। नाउ थिग्मो मीन्स होता है टच, सो हेयर द मूवमेंट विल बी टूवर्ड्स द टच। देन कीमोट्रॉपिज्म, कीमो वर्ड हैज़ कम फ्रॉम केमिकल, सो हेयर द मूवमेंट विल बी इन रिस्पॉन्स टू केमिकल। देन हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, सो हेयर द मूवमेंट विल बी इन रिस्पॉन्स टू वाटर। एंड लास्ट इज योर थर्मोट्रॉपिज्म, थर्मो मीन्स होता है हीट, सो हेयर द रिस्पॉन्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ हीट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रॉफिक मूवमेंट, दैट इज योर फोटोट्रॉपिज्म। Now, the movement of plants toward light to maximize amount of sun for photosynthesis to make their food. So, what happened? कि जो फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट होते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं, प्लांट्स जो हैं इनमें इट ग्रो टूवर्ड्स द लाइट, लाइट की तरफ ग्रो करते हैं जहाँ पे भी मैक्सिमम लाइट आ रही हो। सपोज यू टेक अ पॉट,
आप अपने उसको कमरे में विंडो के पास रखिए पॉट को. सपोज़ इफ़ यू वांट टू कंडक्ट, यू वांट टू सी फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, यू टेक अ पॉट और उसको अपने रूम में रखिए एंड जस्ट ओपन वन विंडो जहाँ से सिर्फ एक साइड से लाइट आ रही हो एंड कीप द पॉट अवे फ्रॉम दैट लाइट सोर्स. नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर फ्यू डेज, यू विल सी द स्टेम विल ग्रो टूवर्ड्स द लाइट. जिधर लाइट पड़ रही होगी स्टेम जो है उसी तरफ ग्रो करेगी. सो जो स्टेम्स होती हैं दे शो पॉजिटिव रिस्पॉन्स, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक. ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज़ द एग्जाम्पल हेयर. यू कैन सी द प्लांट्स, दे आर ग्रोइंग टूवर्ड्स द सन. सो इफ़ द ग्रोथ इज टूवर्ड्स द लाइट देन इट इज़ नोन एज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक. ओके, सो स्टेम्स आर ऑलवेज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड रूट्स they show the response away from the light, they show the growth away from the light, so roots are negatively phototropic in this case. Okay, now let's move on to the next trophic movement, that is geotropism or gravitotropism. Both terms are similar. तो यहाँ पे प्लांट्स जो हैं दे शो मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रेविटी. अब ग्रेविटी की बात करें, एज यू ऑल नो ग्रेविटी का अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा है. सो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, इट इज़ द फोर्स विच मूव्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द अर्थ. ठीक है, यही फोर्स होता है जो कि हर चीज़ को अर्थ की तरफ पुल करता है. सो वेन यू सो अ प्लांट, सो रूट्स जो हैं हमेशा सीधे ग्रो करती हैं डाउन द सॉइल. So roots they show positively geotropic response, but जो stems होंगी they grow away from the soil, so they show negative phototropic response. Okay, now this you can see it with the help of if you take a pot and just you tilt it. ठीक है, हम pot को सीधा ना रख के अगर हम tilt कर दें, ठीक है, देन ऑल्सो यू विल सी जो रूट्स की टेंडेंसी होगी वो नीचे की तरफ जाने की होगी. मीन्स टूवर्ड्स द अर्थ रूट्स हमेशा ग्रो करेंगी. सो रूट्स शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड स्टेम शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स. नाउ द नेक्स्ट इज योर थिग्मोट्रॉपिज्म. थिग्मो मीन्स होता है टच. सो हेयर द स्टिमुलस इज टच. नाउ वॉट हैपन, जो थिग्मोट्रॉपिज्म होते हैं, हेयर द प्लांट पार्ट्स इन मूव इन रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलाई. मीन्स प्लांट्स जैसे ही उनको एक सपोर्ट मिलता है, एज यू हैव सीन पम्पकिन हुआ, देन योर कुकुम्बर, लौकी, इन सब के पेड़ होते हैं, दे नीड सम सपोर्ट टू क्लाइम. इन सबको क्या चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है क्लाइम करने के लिए. एंड वेन एवर दे फाइंड द सपोर्ट, जो टेंड्रिल्स होती हैं वो उसी सपोर्ट के अलॉन्ग कॉइल कर जाती हैं और ग्रोथ में हेल्प करती हैं. ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोट्रॉपिज्म. ओके, नाउ यू कैन सी इन दिस फिगर हेयर, यू कैन सी दिस इज अ सपोर्ट. आप देख रहे हो, सपोर्ट कैन बी इन एनी फॉर्म. कोई भी सबस्ट्रेटम हो सकता है, कोई भी एक लकड़ी हो सकती है, रॉक हो सकता है, पत्थर हो सकता है. ओनली सपोर्ट इज़ नीडेड. जैसे ही सपोर्ट उनके टच में आता है, वो जैसे ही ट्रेंडल्स जो हैं सपोर्ट को टच करती हैं, दे कॉइल अराउंड दैट सपोर्ट एंड इन दिस वे द ग्रोथ अकर. सो इट इज़ अगेन वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ मूवमेंट. Now move on to the next one, that is your hydrotropism. That is here the movement of plant is towards the water. So as you all know, roots जो होती हैं they always grow in search of water. Water के search में वो grow करती हैं. ठीक है, so जहाँ जहाँ उन्हें water मिलेगा they will grow. So roots also if they grow towards the water, so roots show positive hydrotropism. ठीक है, एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, व्हेन द ग्रोथ इज़ अवे फ्रॉम द वाटर. सो रूट्स आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक. दैट यू कैन शो इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑल्सो. एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम्स में. नाउ यू टेक अ वन पॉट, एक आप पॉट लीजिए. ओके, और उसमें प्लांट को सो कर दीजिए और उसी पॉट में आप एक मिट्टी का और पॉट जिसमें कि पानी भर के रख दीजिए. पर द थिंग इज़ दैट कि वो मिट्टी का होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए. एज यू ऑल नो मिट्टी का जो पॉट होता है उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं. सो व्हाट विल हैपन, ये वाटर उसमें से धीरे धीरे सीप होता जाएगा फ्रॉम पॉट एंड
आफ्टर फ्यू डेज यू विल सी जो रूट्स होंगी वो अपने आप टर्न हो जाएंगी वाटर की तरफ, बिकॉज रूट्स दे ग्रो इन सर्च ऑफ वाटर. जहाँ जहाँ उनको वाटर मिलेगा वो उस तरफ टर्न हो जाएंगी. सो इन दिस वे यू कैन फ्रेम एन एक्सपेरिमेंट टू शो हाइड्रोट्रॉपिक रिस्पॉन्स. लाइक यू हैव सीन इन द रिवर्स और ओशन में देखा होगा जो रूट्स होती हैं प्लांट की, जो आसपास प्लांट होते हैं वो आपको पानी की तरफ जाती हुई दिखती हैं. सो दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोट्रॉपिक रिस्पॉन्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ मूवमेंट, दैट इज कीमोट्रॉपिज्म. नाउ कीमोट्रॉपिज्म इज द रिस्पॉन्स, इज द प्लांट पार्ट विच रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस. यहाँ केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है. फॉर एग्जाम्पल पॉलन ग्रेन्स की अगर हम बात करें, पॉलन ग्रेन्स जो हैं स्टिग्मा पे स्टिक हो जाते हैं एंड देन दे ग्रो टू फॉर्म पॉलन ट्यूब. अब पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रो करता है टूवर्ड्स द ओव्यूल, एज यू आर सीइंग इट इन द फिगर ऑल्सो एंड यू हैव स्टडीड ऑल्सो दिस, कि पॉलन ट्यूब जो है ओव्यूल की तरफ ग्रो करता है. क्यों? ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ सम केमिकल्स. कुछ केमिकल्स सिक्रीट होते हैं जो कि ग्रोथ को किस डायरेक्शन में फेवर करते हैं, जहाँ पे ओव्यूल होता है. सो पॉलन ट्यूब जो है अपने आप ही उधर टर्न हो जाता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स. ओके, सो हेयर ऑल्सो द प्लांट्स रिस्पॉन्स विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज इफ इट इज़ टूवर्ड्स द केमिकल और अवे फ्रॉम द केमिकल. नाउ द लास्ट इज योर थर्मोट्रॉपिज्म. थर्मो मीन्स होता है हीट. वेन द प्लांट और अ पार्ट ऑफ अ प्लांट शो रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द चेंज इन टेम्परेचर, मीन्स हीट, कोल्ड है कि हीट है, वट एवर चेंज. तो इसका सबसे एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है रोडोडेंड्रॉन. रोडोडेंड्रॉन प्लांट होता है, उसकी लीव्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ओके, यस, इफ़ यू विल ऑब्जर्व द लीफ ऑफ रोडोडेंड्रॉन, सो रोडोडेंड्रॉन की लीव्स होती हैं वो कर्ल हो जाती हैं कोल्ड टेम्परेचर में. ठीक है, कर्ल हो जाएंगी ऊपर की तरफ, शोइंग द नेगेटिव, दैट इज़ योर नेगेटिव थर्मोट्रॉपिज मूवमेंट. ओके, अनदर एग्जाम्पल है आपका डेजी प्लांट जो है, उसमें विल्टिंग्स लीव शो करती हैं वेन देयर इज़ टू मच हीट. ठीक है, बहुत हीट होती है तो लीव्स जो हैं वो विल्ट कर जाती हैं, मुरझा जाती हैं, और रोडोडेंड्रॉन में यू कैन सी वो कर्ल कर जाती हैं. ओके, सो इन दिस वे इट कैन बी पॉजिटिव थर्मोट्रॉपिज्म ऑल्सो इफ द बेंडिंग इज टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, सोर्स ऑफ टेम्परेचर, एंड नेगेटिव थर्मोट्रॉपिज्म इफ द बेंडिंग इज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ टेम्परेचर और फ्रॉम हीट. ओके, सो इन दिस वे we have completed the trophic movement. I hope you all have understood. Now in next lecture we will discuss about the nastic movement. Thank you everybody.